हाय, थर्सडे को हमने 5 शेयर्स फ्राइडे के ट्रेड के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, जिनमें से ज़्यादातर नेगेटिव मूव में रहे क्योंकि निफ्टी बेयरिश था। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, हमें इंट्राडे के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हमेशा मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें। जिस तरफ निफ्टी मूव कर रहा है, हमें उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। हालांकि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो निफ्टी के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे थे, और अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल मिलता है तो आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स ने फ्राइडे को निफ्टी के ट्रेंड के अगेंस्ट काम किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्राडे का एक और रूल याद दिला दूँ कि हमें एकदम 9:15 बजे मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करना है। कम से कम आधे से पौन घंटे का हमें वेट करना है, उसके बाद हमें पैटर्न्स फॉलो करने हैं, और अगर वो पैटर्न्स अलाउ कर रहे हैं तभी हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है। तो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट चलता हुआ पहला स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली कैंडल 15 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल और साथ में नीचे वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 9:31 हुआ है, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं मार्केट ओपन हुए हुए। सेम पैटर्न आपको GMDC लिमिटेड में भी मिलेगा। अब देखते हैं कौन से शेयर्स मार्केट के बियरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे थे। देखते हैं इंडसइंड बैंक में किस तरह के बियरिश सिग्नल्स थे। तो पहला सिग्नल ये कि इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस इसके करंट प्राइस के ऊपर था। सेकेंडली, इसका चार्ट अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि 15 डे मूविंग एवरेज के नीचे पहली रेड कैंडल्स ने क्लोजिंग दी है, उसके बाद लगातार रेड कैंडल्स हैं और साथ में नीचे वॉल्यूम्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें बियरिश पैटर्न है। सेम पैटर्न आपको बंधन बैंक में भी दिखेगा। ये दोनों ही शेयर्स बियरिश रहे थे। अब कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ग्रीन कैंडल्स हैं और साथ में रेड कैंडल्स भी बीच बीच में बन रही हैं, इसलिए मैंने वेट करने के लिए बोला। और डे एंड पे देखिए बियरिश ही ट्रेंड रहा था कोटक बैंक का। स्टॉक मार्केट में कहावत है स्टे आउट व्हेन इन डाउट, तो अगर आपको शॉर्टी नहीं है तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको CG पावर में भी सेम बियरिश पैटर्न दिखेगा। पहले 15 डे मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद दूसरी और तीसरी रेड कैंडल बनी और नीचे वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी सेम बियरिश पैटर्न बना है, और आप देख सकते हैं डे एंड का चार्ट। इंट्राडे में लगभग 5% का मूवमेंट इस शेयर ने दिया है। इंडसइंड बैंक में भी सेम बियरिश पैटर्न है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इंट्राडे स्ट्रेटजीज और पैटर्न्स बताए हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब हम मंडे के ट्रेड के लिए स्टॉक्स फिल्टर आउट कर लेते हैं। फ्राइडे को मार्केट बियरिश होने की वजह से टॉप 5 गेनर्स ने भी ज़्यादा परसेंटेज का मूवमेंट नहीं दिया है, इसलिए टॉप गेनर्स में से हम सिर्फ अदानी पोर्ट और LNT का हिस्टोरिकल डेटा चेक करें। तो मंडे के लिए हमने 7 स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं, अदानी पोर्ट्स, LNT, इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स एंड टाटा कंज्यूमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, हमारी तरफ से कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। अब मंडे की लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज के बेस पे इनमें से कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग का सिग्नल मिल, और अपने आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ और भी स्ट्रेटजीज और पैटर्न्स शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।